हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके दांतों के ऊपर कोई फ्लैश दिखता है, मांस जैसा कुछ दिखता है, इसको हम बोलते हैं पल्प पॉलिप। ये क्या होता है इसको हम इस वीडियो में समझेंगे, ये क्या होता है, किन किन कंडीशंस में ये हो सकता है, क्या प्रॉब्लम इसके कारण होती है और क्या ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाता है, ये सारी बात हम इस वीडियो में समझेंगे। और ईजी वे में वीडियो को ऐसे रखने का ट्राई करते हैं कि जो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है, आप लोगों को ये कंडीशन हो रही है, तो भी आपके समझ में आ जाए कि क्या चीज़ ये है। और अगर कोई डेंटल स्टूडेंट्स हैं, न्यू डॉक्टर्स हैं, वो समझना चाहते हैं पल्प पॉलिप, तो उनके लिए भी इजी होगा, ऐसा रखने का ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए इसको समझते हैं। इस कंडीशन में आपका जो दांत है, दांत के ऊपर एक रेड कलर का, पिंक रेड कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, मांस जैसा बन जाता है इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं पल्प पॉलिप। तो पहले इसको समझते हैं पॉलिप यानी क्या होता है। पॉलिप मतलब कि ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यू, जो टिश्यूज हैं उसका ओवरग्रोथ अगर हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन का ओवरग्रोथ अगर होता है, तो उसे हम पॉलिप कहते हैं। और हम समझ रहे हैं पल्प पॉलिप। तो पल्प पॉलिप क्या होता है, जो पल्प टिश्यू है, जो टूथ के अंदर हमारे पल्प होता है, पहले भी वीडियोस में समझाया हुआ है। नॉर्मल हमारा पल्प ऐसा होता है, हमारा जो टूथ स्ट्रक्चर है उसके बीच में पल्प स्टार्ट होता है और रूट्स तक जाता है। तो अगर हमारे दांत के पल्प टिश्यू में ओवरग्रोथ होती है इन्फ्लामेशन के कारण, तो इसको हम बोलते हैं पल्प पॉलिप, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस। क्रोनिक मतलब जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, उसके बाद हाइपरप्लास्टिक मतलब ओवरग्रोथ जो हो रही है टिश्यूज़ की वो, और पल्पाइटिस मतलब पल्प का इन्फ्लामेशन, जो पल्प टिश्यू है उसका इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस भी इसको हम बोलते हैं पल्प पॉलिप को। अब समझते हैं कि किन कंडीशंस में ये होता है और कहाँ पर ये होता है। तो जनरली हमें दिखेगा पोस्टीरियर्स में, जो हमारे पीछे वाले दांत होते हैं, मोलार्स जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर ये होता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे जो होते हैं, और जो थोड़ी ज़्यादा एज के बच्चे होते हैं, यंग एडल्ट्स जिनको कहते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो ओल्डर ग्रुप के होते हैं उनमें ये कम देखने को मिलता है, पल्प पॉलिप कम देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं किन कंडीशंस में ये हो सकता है। तो अगर कोई कैरियस लीजन है, अगर आपके दांत में डिक्के है, ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और कैविटी बनी हुई है, वहाँ पर ये ग्रो कर सकता है, जो पल्प टिश्यू है वो ग्रो करता है और ऊपर तक आ जाता है और पल्प पॉलिप ये बना लेता है। इसके बाद अगर रेस्टोरेशन नहीं हुआ है, आपके कैविटी बनी हुई है और उसमें रेस्टोरेशन नहीं हुआ है, फिलिंग कुछ होनी थी वो नहीं हो पाई है, तो इसके कारण भी पल्प पॉलिप डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और अगर फ्रैक्चर्ड है, अगर आपका दांत किसी कारण से टूटा हुआ है, किसी ट्रॉमा के कारण, या फिर जो मेस्टिकेशन है, हम चबाते हैं, उसमें कुछ खाने में आ गया है, या किसी भी कारण से अगर फ्रैक्चर है हमारा टूथ और पल्प डैमेज हुआ है, तो इसके कारण भी पल्प पॉलिप बनने के चांसेस होते हैं, इसके कारण भी पल्प पॉलिप बनते हैं। अब इसके अपीयरेंस की बात करें, तो जैसा हमने अभी देखा ये कैसे दिखता है, तो एक लोब्यूलेटेड मास आपको दिखेगा, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा दांतों के बीच में, जहाँ पर फ्रैक्चर है या टूटा हुआ है या कैविटी है, वहाँ पर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा जो पिंक रेड कलर का होगा। और किसी किसी कंडीशन में ये ज़्यादा रेड भी हो सकता है, डार्क रेड भी ये हो सकता है। अब इसके नेचर की बात करते हैं कि क्या इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली जो पल्प पॉलिप होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब इसके कारण कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, दर्द इसके कारण आपको नहीं होता जनरल कंडीशंस में, कुछ कंडीशन में पेन हो भी सकता है। और पेन किस कंडीशन में ज़्यादा होता है, अगर मेस्टिकेशन में, अगर चबाते हुए पल्प टिश्यू आपके मेस्टिकेशन में आ रहा है, आपके दांतों के बीचों में चबा ले रहे हैं आप उसको, इतना बड़ा ग्रोथ है कि वो दांतों के बीच में आ रहा है, तो इसके कारण पेन स्टार्ट होता है और अल्सर की कंडीशन भी बन जाती है, अल्सर उस जगह में हो जाते हैं और पेन फिर आपको इसमें होता है, पल्प पॉलिप में पेन भी इस कंडीशन में होता है। और इस कंडीशन में जो पल्प पॉलिप है डार्क रेड कलर का हो जाता है और ब्लीडिंग भी आपको इसमें से दिखती है, कभी कभी इससे ब्लीड भी हो सकता है। अब बात करते हैं पल्प पॉलिप के ट्रीटमेंट की, इसके क्या ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इन्फ्लामेटरी टिश्यूज़ और जो हमारा साउंड टूथ स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर, मतलब कि कितना दांत हमारा अच्छा है और कितना इन्फ्लामेशन उसमें है, इस कंडीशन में डिपेंड करता है। समझते हैं इसको। अगर आपका जो इन्फ्लामेशन है, पल्प पॉलिप का इन्फ्लामेशन ज़्यादा है और जो आपका टूथ स्ट्रक्चर है बहुत कम बचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सट्रैक्शन, दांत को
निकालना एक सॉल्यूशन होता है अगर उसको हम नहीं बचा सकते। इसके बाद अगर इन्फ्लामेशन कुछ कम है और साउंड टूथ स्ट्रक्चर, अच्छा टूथ स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो ऐसे कंडीशन में हम एंडोडोंटिक थेरेपी देते हैं। एंडोडोंटिक थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, पहला होता है पल्पोटोमी, जो ऊपर वाला पल्प है कोरोनल पल्प जिसको हम बोलते हैं, जो इन्फ्लामेशन है ऊपर का उसको निकाल दिया जाता है और उसमें फिलिंग करके वापस से आपके टूथ स्ट्रक्चर को बना दिया जाता है। पल्पोटोमी कर सकते हैं या फिर एंडोडोंटिक थेरेपी के अंदर ही इसमें हम रूट केनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, RCT जिसको हम जनरली बोलते हैं। अगर RCT आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर एक सजेशन मैं दे दूंगा, उसमें क्लिक करके आप RCT को डिटेल में समझ सकते हैं। तो एंडोडोंटिक थेरेपी में हम पल्पोटोमी करके या फिर रूट केनाल ट्रीटमेंट करके टूथ को सेव कर सकते हैं अगर इन्फ्लामेशन कम है और टूथ स्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा है। कुछ कंडीशंस में अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्राउन लेंथनिंग भी हमें करनी पड़ती है कैप देने से पहले। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिससे हम पल्प पॉलिप को ठीक कर सकते हैं और हमारा जो टूथ स्ट्रक्चर है उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ परमानेंट और प्राइमरी टूथ जो होता है हमारा उसको भी देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है कि जो पल्प पॉलिप है वो परमानेंट टूथ में है या फिर जो दूध के दांत होते हैं प्राइमरी टूथ होते हैं या डेसिडियस टूथ जिनको बोलते हैं उसमें है, इसके अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो ये कुछ पल्प पॉलिप के बारे में हमने शॉर्ट में समझने का ट्राई किया। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।